खड़े हो जाएं। ऊंची आवाज में बोलिए, यीशु का लहू मुझे जीवन देता है। मैं शोक करने वाला मसीह नहीं हूं, मैं तो आनंद मनाने वाला मसीह हूं। आज के दिन यदि यीशु मसीह मेरे लिए ना मरते तो मैं बचाया जा नहीं सकता था। आज के दिन यदि यीशु मसीह मेरे लिए जान ना देते तो मैं सुरक्षित नहीं हो सकता था, तो मैं आनंद को महसूस नहीं कर सकता था। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे बचा लिया है, आपने मुझे बचा लिया, आपने मेरे खून को बदल दिया है, आपने मेरे खून को बदल दिया है, मेरे खून के अंदर अब पाप नहीं है, यीशु का खून है, यीशु का खून है, मसीह यीशु का लहू है, मसीह यीशु का लहू है। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु के लिए अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए कहें कि मेरे अंदर यीशु का लहू है, यीशु का लहू है, मेरे अंदर यीशु का खून काम करता है, मेरे अंदर यीशु का खून काम करता है, मेरी रगों में यीशु का लहू काम करता है, यीशु का लहू काम करता है, मेरी रगों में यीशु का लहू काम करता है, यीशु का लहू काम करता है। आमेन, आमेन। आपकी रगों में किसका खून है? वाओ, ऊंची आवाज में बोलिए, आपकी रगों में किसका खून है? आपके जीवन में किसका खून काम करता है? आपके घर में किसका लहू काम करता है? आपके बिजनेस में किसका लहू काम करता है? आमेन। किसका? सोचिए, आपका ब्लड, आपका अपना खून हिल रहा होगा और कह रहा होगा, इसके लहू के अंदर जब से यीशु का लहू आया ये बदल गया, इसके लहू के अंदर जब से यीशु का लहू आया है इन्फेक्शन चला गया, पाप खत्म हो गया, श्राप खत्म हो गया, आशीर्वाद उतरो। यीशु के लहू के कारण आपके घर का वातावरण बदल रहा है। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में रेबे शिकेरे कहते, यीशु के जीवित नाम में प्रभु आपके आशीष को बोलते, रेखेते देखेते। थैंक यू जीसस लॉर्ड। आज हम खड़े खड़े ऑफरिंग देंगे, ऑफरिंग लेंगे, आप खड़े खड़े ऑफरिंग में शामिल होंगे और हम एक गीत गाएंगे, जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया। और देखिएगा, आपका पैसा आशीषित होगा। आपका पैसा डॉक्टर के लिए नहीं बनाया गया, दवाइयों के लिए नहीं बनाया गया, हॉस्पिटल के लिए नहीं बनाया गया, आपका पैसा आपके लिए और आपके यीशु के लिए बनाया गया, बस और किसी के लिए नहीं। खेरे खेते यीशु के नाम में, इस गीत के बोल पर आप अपना ध्यान दीजिए और सोचिए कि यीशु ने आपके लिए कैसे लहू को बहाया।
जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया। यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी बंदगी, यीशु मेरे जीने दी वजह, जाने बीमारी यीशु दा लहू आ गया, जाने बीमारी यीशु दा लहू आ गया। रेबे रेबे रबा शिखा लबुरा चेत कर कि मैं तेनो यीशु ने हराया ने हराया कि मैं लहू नाल तेनू जड़ तो मिटाया चेत कर कि मैं तेनू यीशु ने हराया कि मैं लहू नाल तेनू जड़ तो मिटाया मेरी चंगे आई नो आजा जरा रोक के वखा मेरी चंगे आई नो आजा जरा रोक के वखा यीशु मेरी जिंदगी यीशु मेरी यीशु मेरी जिंदगी यीशु मेरी बंदगी यीशु मेरे जीने दी वजह जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया जानी बीमारी खेते ने खेते खुशी दिया गल्ला मेरे बनी पैड़िया
सदा रहनिया मेरे ते उदासिया ना सदा रहनिया दुनिया नसीब यारा मुक जाना खरी सवार दुनिया नसीब यारा मुक जाना खरी सवार जानी बीमारी शुदा लहू आ गया ये शुदा लहू आ गया हालेलुया। खुदा बाप यीशु के जीवित नाम में पवित्र नाम में स्वामी हम प्रार्थना करते, मेरी प्रार्थना है मसीह यीशु के नाम में इनका पैसा मसीह के लहू में गीला हो जाए, इनका पैसा परमेश्वर गलत जगहों पर जाना बंद हो जाए। मसीह यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर इनका पैसा दवाइयों में, डॉक्टर्स में, हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट में, दुर्घटनाओं में जाना बंद हो जाए। मसीह यीशु के जीवित नाम में पूरे साल में एक्स्ट्रा नुकसान बंद हो जाए। मसीह यीशु के जीवित नाम में इनके बिजनेस के ऊपर आने वाले कस्टमर बढ़ जाएं। इनकी जॉब के लिए टीए डीए यीशु के नाम में बढ़ जाए, आशीषें बढ़ जाए। बस यीशु के नाम में परमेश्वर जो गलत मैसेज आते हैं पैसा ऐंठने के लिए, जो गलत मैसेज आते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं ये कभी भी झूठे मैसेजों में फंसने ना पाए, ये झूठी चालों में फंसने न पाए। मसीह यीशु के नाम में प्रभु आपकी बुद्धि इन पर काम करने पाए, आपकी सामर्थ इन पर काम करने पाए। मसीह यीशु के जीवित नाम में खुदा बाप एक्स्ट्रा वेस्ट मनी इनकी जिंदगियों से खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। आमेन, आमेन। मेरे पास वो लिफाफे लेकर आओ जो लोग दशमांश देते हैं, ऑफरिंग देते हैं स्पेशल। ये वो लिफाफे हैं जिसमें आप अपना टाइथ देते हैं, ये चर्च दशमांश देता है। और मैं शुक्र करता हूं खुदा का कि हमारे इस चर्च का दशमांश ऑफरिंग सब कुछ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक महीने के अंदर मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि हमारा चर्च इतना अमीर होता जा रहा है। हमारे चर्च के अंदर की ब्लेसिंग्स हम इन लिफाफों में देखते हैं। आमीन, प्रेज गॉड। पिछले 2020 से 2021 तक, अभी ये अप्रैल का महीना चल रहा है, और मैंने लोगों को बढ़ चढ़ कर डालते हुए देखा है। ये लिफाफे प्रेयर रिक्वेस्ट के नहीं हैं, दशमांश और ऑफरिंग के हैं, स्पेशल ऑफरिंग। आमीन, और जब हम, मैं और मेरा जीवन साथी, जब इनके ऊपर हम घर में प्रार्थना करते हैं तो रो पड़ते हैं कि किस तरीके से
हमारे चर्च के लोगों तक हमारे आंसू पहुंच रहे हैं। और इस वक्त भी आप सबको मालूम है, हमने पिछली बार भी प्रार्थना की थी, इस वक्त भी हम प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जितने भी डिकन और डिकनस है, पास्टर हैं, वे अपने हाथ इसकी ओर बढ़ाएं ताकि उनका पैसा कभी कहीं फंसे ना। हमेशा पैसा आशीषित आशीषित और आशीषित होता चला जाए। मेरा विश्वास है पिछली बार की प्रार्थना से हमने वो नाम देखे हैं जिन्होंने अपना दशमांश बढ़ा दिया है। इस बार की प्रार्थना और बड़ा चमत्कार इनके जीवन में लेकर आएगी। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वामी हम प्रार्थना करते हैं, दयावान परमेश्वर, आप जानते हैं जितना भी धन आज तक इस कलीसिया ने दिया है वो धन परमेश्वर आपके लिए इस्तेमाल किया गया। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके राज्य में इस्तेमाल किया गया, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल किया गया। हम जानते हैं परमेश्वर आपके लोगों ने हर्ष से दिया, आनंद से दिया, और आप आनंद से देने वालों को, हर्ष से देने वालों को पसंद करते हैं। आमीन। प्रेज गॉड। सचमुच पिता यीशु के नाम में इनके जीवनों में लूका 6:38 पूरी होने पाए। आमीन। उसमें लिखा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग तुम्हें हिला हिला कर दबा दबा कर उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में उंडेलेंगे। प्रभु उमड़ता हुआ इनकी गोद में उंडेला जाए। भेंट मनुष्य के लिए सारे रास्ते खोल देती है। मेरी प्रार्थना है इस 2021 में इनका उठना बैठना बदल जाए। बस यीशु के जीवित नाम में इनका एटीएम, पीटीएम, पेटीएम और परमेश्वर गूगल पे सब ब्लेस्ड हो जाए। आमीन। बैंक बैलेंस आशीषित हो जाए। आमीन। सारे कर्जे जाते रहे। स्वामी इन लिफाफों के ऊपर जितने भी नाम लिखे हैं मैं सारे नामों पर आशीष मांगता हूँ, उन सारे नामों के परिवारों पर आशीष बोलता हूँ, इन सारे परिवारों की तनख्वाहें बिजनेस बढ़ते 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 चले जाए यीशु के नाम में। आमीन। बस यीशु के नाम में प्रभु, यस लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो मैं अपनी कलीसिया में देख रहा हूँ ये मैंने फॉरेन में देखा था। हाँ परमेश्वर। लेकिन आज खुदा बाप अपनी कलीसिया में देख पा रहा हूँ। आमीन। प्रभु मैंने बाहर की कलीसियाओं में देखा था कि ऐसा होता है, लेकिन इंडिया में पहली बार अपने ही कलीसिया में देख पाया। इसके लिए आपकी महिमा करता हूँ। आपकी महिमा करते हैं। और पिता यीशु के नाम में जो दशमांश नहीं दे पा रहे उन्हें भी बल दीजिए कि ये परमेश्वर अपने चर्च के अंदर दे पाए। परमेश्वर यीशु के नाम में आमेन। 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 ध्यान से सुनिएगा, आपके देने को मैं आदर देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कौन कैसे कमा रहा है वो मैं समझ सकता हूँ। और बहुत से लोग बड़े दुख से कमाते हैं, लेकिन इस 2021 में आपका दुख से कमाना सुख में बदलेगा। आमीन। आमीन। आप इस 2021 के अंदर मजबूर हो जाएंगे और ज्यादा गवाहियां देने के लिए कि परमेश्वर ने हमें कितना आशीषित किया है। आमीन। बाइबल के अंदर अब्राहम परमेश्वर का दीवाना था और परमेश्वर के अगुवाई में अब्राहम ने दशमांश दिया और बाइबल कहती है उसकी हदें इतनी बढ़ गई कि उसके बैर करने वाले भी डरने लगे। आमीन। प्रेज गॉड।
याकूब को इतना शिक्षित परमेश्वर ने किया, इतना शिक्षित किया कि याकूब के पैर खाने वाले उसे प्यार करने लगे। यूसुफ को परमेश्वर ने इतना शिक्षित किया, इतना शिक्षित किया कि उसके जो भाई थे जो उसे बैर खाते थे, यूसुफ ने निस्वार्थ उन्हें भी बैठकर खिलाया। आमेन, आमेन। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो, तो आप भी अब्राहम की तरह, याकूब की तरह, यूसुफ की तरह, यूहन्ना की तरह, याकूब की तरह, पतरस की तरह, आप भी अपनी मुट्ठी को खोलना सीखिए। जब आप अपनी मुट्ठी को खोलेंगे, आप देखिएगा आप उन जगहों पर जाकर खड़े हो जाएंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। Amen. Praise God. आपको परमेश्वर वो नौकरी दे देगा जो आपने जिंदगी में कभी ख्यालात में नहीं सोचा था कि दे देगा। आपका बिजनेस ऐसे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे कस्टमर्स आपके बिजनेस में आने शुरू हो जाएंगे, आपने कभी नहीं सोचा होगा। पिछले समय में मैं एक बॉम्बे से एक व्यक्ति की गवाही सुन रहा था, मुकेश अंबानी उसके बिजनेस में उसे मिलने आया और उसने कहा कि मैं बॉम्बे के अंदर इतने छोटे बिजनेस में पहली बार आया हूं। आपको मालूम, जिस बिजनेसमैन से मुकेश अंबानी मिलने आया वो बिजनेसमैन यीशु मसीह का पुजारी है। इतने छोटे बिजनेस में कहते मैं नहीं जाता, लेकिन तेरे बिजनेस के अंदर मैं तेरे प्रोडक्ट को खरीदूंगा। लाखों का प्रोडक्ट उसने उस बिजनेस से खरीद लिया है और हमारे चर्च की लैंड के लिए उस व्यक्ति ने 1,00,000 दिया था। आमेन, आमेन। और उसने बोला, सर जैसे ये प्रोडक्ट निकलेगा उसके बाद मैं और बहुत कुछ इस चर्च के लिए देने जा रहा हूं। आमेन, आमेन। कितनी बड़ी बात है। मैं चाहूं तो ये बात छिपा सकता हूं, हाँ या ना? मैं चाहूं तो आपको कह सकता हूं, नहीं नहीं कोई लाखों रुपया नहीं आ रहा, आ रहा है, कोई कमी नहीं है हमारे चर्च को। पर मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि आप भी कंजूस ना बने, आप भी देने वाले बने, ताकि आपके घरों में भी कलेश, बीमारी, भुखमरी, अकाल आने से पहले ही वही रुक जाए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप देखिएगा, एक मेरा विश्वास है, हम अपनी लैंड के ऊपर जाते ही कभी भी पैसे में खाना नहीं बेचेंगे। आमेन। कभी नहीं बेचेंगे। हमारे चर्च के अंदर 10,000 लोग भी बैठकर खाएंगे बिना पैसे दिए। आमेन। और वो 10,000 20,000 में बदलेंगे। आमेन। आप हैरान हो जाएंगे, परमेश्वर ने मुझे बोला उस लैंड पर जाते ही लोग कणक की, चावल की बोरियां देना शुरू कर देंगे। आमेन। दाल के पैकेट किलो किलो के हिसाब से लोग छोड़कर चले जाया करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये इसलिए होगा कि हमारा चर्च सिर्फ बैठकर खाए। आमेन। और वो वक्त आएगा, आज मेरी बात को लिख लीजिएगा, भविष्यवाणी है मेरी, जिन चर्चेस में खाना बेचा जाता हमारी चर्च की टीम जाएगी वहां खाना देने के लिए, ताकि खाना बेचा ना जाए। छोटी बात है, हमारी टीम जाएगी और कहेगी आप खाना बेचना बंद कीजिए, हमारा चर्च आपके चर्च को हर संडे खिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता आपको ये बात अजीब सी लगे, लेकिन मुझे अजीब नहीं लग रही, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा करने की सामर्थ रखता है। आमेन। फिर वो भी सीख जाएंगे, नहीं नहीं बेचना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आपका दशमांश, आपकी भेंट इस चर्च को यीशु की आज्ञा में चलाएगा। मेरा विश्वास, हमें कभी भी पानी और तेल बेचने की नौबत नहीं आएगी। आपका दशमांश, आपकी भेंट हमें बल देती है कि हमें तेल पानी नहीं बेचना है, हमें रुमाल नहीं बेचना है,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु आपका आशीष दे। एक दूसरे से बोलिए कि मैं एक ऐसे चर्च में खड़ा हूं जो बिजनेस नहीं करती, जो पैसा नहीं कमाती, बल्कि यीशु की तारीफ करती है, यीशु के नाम को ऊंचा करती है। आमीन।